अस्सलामु अलैकुम। आज भाई सते प्रेसिडेंट थिएटर फेडरेशन ऑफ कश्मीर, मैं तमाम थिएटर बरादरी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है और हमारी इस एडहॉक कमेटी को परमानेंट कमेटी बनने में अपना रेजोल्यूशन पास किया है और ये कहा है कि ये बॉडी जो है मुस्तकिल तौर पे काम करेगी 2 साल तक, यानी कि आज के 2 साल के बाद इसके इलेक्शंस होंगे। और अभी जो इन्होंने इत्तेफाक राय से तय किया कि जो बॉडी है इसी को हम परमानेंट मानते हैं और ये सब के इत्तेफाक से हुआ है। इसके बाद मुझे कुछ बातें जरूरी कहनी है कि इस फेडरेशन का इनकाद इसलिए जरूरी था कि आर्टिस्टों के मसाइल जो है उन पर बात की जाए। हमें किसी से कोई दुश्मनदारी नहीं है, लेकिन आर्टिस्टों की दर्द है, आर्टिस्टों की कदर है और आर्टिस्टों की कॉज के लिए हम कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे और अच्छे माहौल में बात करेंगे, आर्टिस्टों की डिमांड्स के लिए काम करेंगे। और कोई भी इदारा, चाहे वो यूटी का इदारा हो या सेंट्रल का इदारा हो, जो आर्ट एंड कल्चर या आर्टिस्टों से जिनका काम पड़ता है उनके साथ हमें एक अच्छे मुस्बत ताल्लुकात बनाकर रखेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा हमारा। लेकिन सबसे पहली बात है और बहुत जरूरी बात है कि हम सिर्फ आर्टिस्टों का ख्याल रखेंगे। ये फेडरेशन का कायम थिएटर के आर्टिस्टों के लिए हुआ है। हमने थिएटर के आर्टिस्टों को, थिएटर ग्रुप्स को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है और आगे ले चलना है। और जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ होंगे जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है आर्टिस्टों का या थिएटर ग्रुप्स का, उन डिपार्टमेंट्स के साथ एक अच्छा माहौल बना के, अच्छा रास्ता रख के उनके साथ काम करना है, एक पॉजिटिव वे में काम करना है। लेकिन इन सब के साथ साथ पॉजिटिव वे में काम करते हुए हमने थिएटर के आर्टिस्ट का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा, कि उनके लिए जो भी फायदेमंद स्कीमें होंगी। आज 21 जुलाई 2023 को जो यहाँ सेवन सीज रेस्टोरेंट में हमारे फेडरेशन की जो ये मीटिंग हुई होगी, जिस मीटिंग के दौरान हमारी एडहॉक कमेटी को आपकी वसादत से, यहाँ जो थिएटर उनके नुमाइंदे बैठे हैं उनकी वसादत से इसको कंफर्म किया गया है अगले 2 साल के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वैसे भी जनरल सेक्रेटरी आपने मुझे कबूल किया है। मैं 2 बातें बताऊंगा कि बहसते जनरल सेक्रेटरी नहीं बल्कि बहसते खादिम इस फेडरेशन में मैं तन मन धन से काम करता रहूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे कश्मीर का वो आर्टिस्ट जो बेशक इस फेडरेशन के साथ ना भी हो उसकी खैर सवाली के लिए मैं हर जगह बात करूं, उसके काम के लिए मैं बात करूं अपनी फेडरेशन के साथ। इसके अलावा मुझे अगर कहीं कुछ नॉलेज है तो मैं उस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। ऐसा नहीं कि आप सब बैठे हैं कि भाई सिर्फ आप लोगों के साथ मेरा नॉलेज शेयर होगा, बल्कि इस फेडरेशन से बाहर जो बाकी ग्रुप के लोग हैं, जो बाकी ग्रुप के आर्टिस्ट हैं।